बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बेली फैट लोशन की रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए आपने ऑयल्स भी यूज़ किए होंगे, रेमडीज भी यूज़ की होंगी, डाइट भी की होगी और मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज भी लोग करते हैं। सो फ्रेंड, आपने शायद बेली फैट का लोशन यूज़ नहीं किया। फ्रेंड, इसको खुद बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस लोशन को बनाया किस तरीके से जाता है ये आज मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको चाहिए पॉन्ड्स का लोशन 4 टेबलस्पून और फ्रेंड्स आपने फ्रेश अदरक लेनी है जूस समेत 1 टेबलस्पून और फ्रेंड्स आपको चाहिए वेपोरब विक्स, आपने वेपोरब विक्स ही लेनी है। फ्रेंड, इसका आप डालेंगे 1 टीस्पून। फ्रेंड, इसको आप तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको आप ओवन में गर्म करेंगे। गर्म करके आपने इसका मसाज अपने बैली पे करना है, जहाँ से आपने अपने फैट को रिड्यूस करना है वहाँ पर आप इसका मसाज करें। फ्रेंड, आप 3 से 4 मिनट इसका अच्छे से मसाज करें, उसके बाद आपने क्लिंग शीट से अपने बैली को या उस जगह को जहाँ पर आपने अपना फैट रिड्यूस करना है उसको अच्छे से क्लिंग शीट से आपने कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, 3 दिन में आपका 4 kg फैट रिड्यूस हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको पूरा हफ्ता यूज़ करेंगे तो आपका दिनों के हिसाब से उतना kg ही आपका फ़ैट रिड्यूस होता जाएगा और आपकी जो फैट है बिल्कुल से बर्न हो जाएगा, आप पहले की तरह स्लिम हो जाएंगे। सारे फ्रेंड्स, आपने इस लोशन को ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी रेमेडी जरूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी से रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।